Hey guys, hello, happy Valentine's Day to all of you. So, I know, आप सब लोग रेडी हो गए कल वैलेंटाइंस बनाने के लिए. सॉरी मैं वीडियो आज रिकॉर्ड कर रही हूँ लेकिन आप लोगों को आज मिल कल मिल रही है. ओके, तो क्या करने वाले हो? अपने अपने प्यार को प्रपोज करने जाने वाले हो? ओके, सो वैलेंटाइन वीक में सबसे पहले आता है रोज डे. क्या करते हो? रोज खरीदते हो जाके अपने अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को देते हो. पर क्या कभी सोचा है कि एक रोज जाके पेरेंट्स को भी दे दो? ट्राई गाइस, ट्राई. व्हाई ऑलवेज बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड? ट्राई समथिंग न्यू. ओके, सो नेक्स्ट डे इज चॉकलेट डे. चॉकलेट डे के लिए आप ये करते हो, अरे महंगी महंगी चॉकलेट्स खरीदते हो अपनी गर्लफ्रेंड की फेवरेट वाली, अपनी बॉयफ्रेंड की फेवरेट वाली. पर कभी किसी अनाथालय में जाओ, कभी किसी स्वीट होम में जाओ, ठीक है, वहाँ के बच्चों को चॉकलेट्स खिलाओ ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो उसके बाद आता है प्रपोज डे. प्रपोज डे में सब लोग कहते हैं हे डार्लिंग आई लव यू, बट हैव यू एवर सेड दिस टू योर पेरेंट्स? हैव यू एवर सेड दिस टू योर फ्रेंड्स? हैव यू एवर सेड दिस टू योर ब्रदर सिस्टर एनिमल? Never. Go and tell them that you love them too. So guys, देखो guys, प्यार जताने से प्यार बढ़ता है, तो प्यार जताना सीखो. क्यों हमेशा गर्लफ्रेंड के लिए या बॉयफ्रेंड के लिए? कभी खुद के लिए भी करो, कभी अपने पेरेंट्स के लिए भी करो, सिस्टर के लिए, ब्रदर के लिए, सिबलिंग्स के लिए भी करो, एंड अपने फ्रेंड्स से भी कहो दैट यू लव दैम. ओके, सो आफ्टर दैट इट बिकम्स प्रॉमिस डे. सो प्रॉमिस डे पे अब अपने अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से प्रॉमिस करते हो, बेबी मैं तेरा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा, बेबी मैं तुझे हमेशा घुमाने लेके जाऊंगा, बेबी आई विल गिव यू टाइम. बट क्या कभी पेरेंट्स को टाइम दिया है? क्या कभी पेरेंट्स को घुमाने लेकर गए हो? नेवर. ये नहीं होता तुम लोगों से, बाकी सब हो जाएगा, पर पेरेंट्स का नंबर सबसे लास्ट में. अरे पेरेंट्स ही क्यों, घर के छोटे भाई बहन उन सबको भी कभी ये ले जाता कोई बेचारे से घर में पड़े पड़े सड़ते रहते हैं. गो गाइस गो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से आगे निकलो थोड़ा सा. ठीक है वो लोग भी इम्पोर्टेंट है, बट फैमिली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट यार, सो गिव देम टाइम. ओके, सो आफ्टर दैट हग डे. ओके, सो हग डे पे जाओ, सबको हग करो, पापा को, मम्मा को, भाई को, सिस्टर को, फ्रेंड्स को, सबको हग करो. क्यों सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को? समझे क्या? ओके, आई नो यू ऑल आर गेटिंग मी. सो आफ्टर दैट इट बिकम्स किस डे. सो व्हाट यू डू ऑन किस डे? But again, I will say the same line. Ciao. और अपने पेरेंट्स को भी कभी कभी किस करो, उन्हें भी बताओ दैट यू रियली लव देम. देखना वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे. कभी ट्राई करो, बहुत अच्छा लगेगा. देन द लास्ट कम्स वैलेंटाइंस डे. सो गाइज, वैलेंटाइंस डे इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अस. अच्छा लगता है ना किसी से प्यार करना, किसी को प्यार जताना. तो ये प्यार सबके लिए होना चाहिए ना. ये प्यार सिर्फ अपने पार्टनर के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपने प्यार के लिए ही क्यों? प्यार सबके लिए इक्वली होना चाहिए. अपने पेरेंट्स के लिए भी, अपने सिबलिंग्स के लिए भी, अपने फ्रेंड्स के लिए भी, सबके लिए इक्वल प्यार होना चाहिए हमारे लिए. वैलेंटाइंस डे सिर्फ दो लोगों का नहीं होता, किसी वक्त दो लोगों के बीच दो लोगों का दिन होता है. Valentine's Day is just a way to expressing love. वैसे तो हमें प्यार पूरे साल एक्सप्रेस करना चाहिए पर हम लोग ऐसा करते नहीं हैं. सो गाइज, ठीक है जाओ अपने प्यार को भी एक्सप्रेस करो, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने पार्टनर को भी बताओ, पर साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी बताओ, उन्हें भी बताओ कि दैट यू रियली लव देम. उन्हें भी कोई ट्रीट दो, उन्हें भी कोई आउटिंग के लिए ले जाओ, उन्हें भी हैप्पी रखो. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो एट द एंड ऑफ दिस विद यू,
बहुत सारा भाषण हो गया, बहुत सारा ज्ञान हो गया, ठीक है चलो वीडियो को एंड करते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ना रुकना ना झुकना, जीना सिर्फ अपने ढंग से, आफ्टर ऑल इट्स माई लाइफ एंड आई विल लिव इट इन माई स्टाइल। बाय बाय, थैंक यू, लव यू। एंड वन मोर थिंग, इफ यू लाइक दिस वीडियो do like, share and subscribe to my channel for more interesting videos. Till then, bye, love you.